हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज जो हम करने वाले हैं, जेएम कोटजी राइटर हैं, सेकंड राइटर हैं अफ्रीकन लिटरेचर में, उनके 15 वर्क्स हम लोग करेंगे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी में। फर्स्ट जो राइट इनका वर्क है वो है डस्क लैंड्स, 1974 में पब्लिश हुआ था। ये उनकी डेब्यू नॉवल थी और इस डेब्यू नॉवल के दो पार्ट थे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका डेब्यू नॉवल से आ जाता है कि जेएम कोटजी का डेविन नॉवल कौन सा था, पहला नॉवल कौन सा था, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि टू नॉवलाज इसके पार्ट्स थे जो वो कौन से थे। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स थे आपके, द वियतनाम प्रोजेक्ट एंड द नैरेटिव ऑफ जैकब्स कोटजी। बोथ एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। यहाँ पे इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन दो दो आप लोगों की क्या है इंपॉर्टेंट इसमें थीम्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और जो भी जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो अफ्रीकन वर्क्स हैं उसमें आप लोगों को ये थीम्स देखने को मिलेंगी। मेन कैरेक्टर्स यूजिन डॉन एंड जैकब्स कोटजी, ये दो इसमें कैरेक्टर्स हैं। इन द हार्ट ऑफ द कंट्री 1977 में पब्लिश हुआ था। द नॉवल इज अ मोनोलॉग ऑफ रिफ्रेस्ड वुमेन लिविंग इन अ रिमोट साउथ अफ्रीकन फार्म। इट ड्वेल्स इन टू थीम्स ऑफ मैडनेस, आइसोलेशन एंड ऑप्रेसिव नेचर ऑफ पेट्रकल सोसाइटी। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मैगडा, हर फादर एंड हैंड्रिक द सर्वेंट। वेटिंग द बारबेरियंस 1980 में पब्लिश हुआ था। सेट इन एन अननेम्ड एम्पायर, द नॉवल एक्सप्लोर्स द मॉरल डायलेमास फेस्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट हु बिगिंस टू क्वेश्चन द एम्पायर्स ट्रीटमेंट ऑफ द सो कॉल्ड बारबेरियंस। ये इसकी थीम थी। मेन कैरेक्टर्स द मैजिस्ट्रेट एंड कर्नल जॉल। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के 1983। दिस बुकर प्राइज विनिंग, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, पब्लिकेशन डेट से क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही है। नॉवल फॉलोज माइकल के, अ सिंपल गार्डनर वॉर टॉर्न साउथ अफ्रीका, एज ही एम्बार्क्स ऑन जर्नी टू रिटर्न हिज एलिंग मदर टू हर रूरल होम। मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, माइकल के एंड आना के, हिज मदर। नेक्स्ट वर्क है फो, 1986 में पब्लिश हुआ था। अ पोस्ट मॉडर्न रिमेजनिंग ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो से मोटिवेटेड जो वर्क है वो कौन सा है, तो वो है आप लोगों का फो, जेम कोटजी का। फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर सुजैन बार्डन हु टेल्स द स्टोरी फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ नैरेटिव कंट्रोल एंड कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म का की थ्योरी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी फिर से। मेन कैरेक्टर सुजैन बार्डन, फ्राइडे एंड रॉबिन्सन क्रूसो, ये इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं। एज ऑफ आयरन 1990, समरी, एंड एल्डरली टर्मिनली इल वुमेन रिफ्लेक्ट्स ऑन हर लाइफ एंड द स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग अपार्टहाइड। तो देखिए, अपार्टहाइड का फिर से आप लोगों को हमने फर्स्ट जो वर्क किया था और जो ओवरव्यू किया था अफ्रीकन लिटरेचर का, उसमें आप लोगों को ये थीम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मैंने इन पे के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अपार्टहाइड एक ऐसा सिस्टम था जो कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए था। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिस्टम था। तो आप लोग पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है अफ्रीकन लिटरेचर में। हर रिलेशनशिप विद अ होमलेस मैन चेंजेस हर व्यू ऑन वर्ल्ड। मेन कैरेक्टर कौन से हैं, मिसेस क्यूरन एंड वक्यूल। द मास्टर ऑफ पीटर्सबर्ग 1994 में ये पब्लिश हुई थी। अ फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ रशियन ऑथर फ्योदोर दोस्तोवस्की'स टाइम इन पीटर्सबर्ग as he investigated the death of his stepson, blending historical fiction with deep psychological exploration. Main characters kon kon se hain, Fyodor Dostoevsky and Pavel, his stepson. Disgrace 1999, ye 1999 mein publish hua tha, a booker prize winning, isme bhi unhone booker prize mila tha, question ban sakta hai. About a disgraced university professor who seeks redemption on his daughter's farm, a post apartheid South Africa, exploring themes of race, power and shame. Main character kaun kaun se hain, David Lurie hain and Lucy Lurie hain. The Lives of Animals 1999 mein publish hua tha. This is a novella and to kai baar genre se bhi aap logon ko question pooch liya jata hai. Delivered as a series of lectures by the characters Elizabeth Costello. तो एलिजाबेथ कॉस्टेलो इसमें आप लोगों का कैरेक्टर है। एक्सप्लोर्स द एथिक्स ऑफ एनिमल राइट्स एंड चैलेंजेस द मॉरल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन ओवर एनिमल्स। यूथ सीन फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ सेकेंड 2002 में हुई थी पब्लिश। एंड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिकाउंटिंग कोटजी
अर्ली ईयर्स एज अ यंग मैन इन लंडन रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज स्ट्रगल्स विद आइडेंटिटी क्रिएटिविटी एंड एलिनेशन. तो यहाँ पे आप लोगों का थीम क्रिएटिविटी आइडेंटिटी और एलिनेशन है. मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? जॉन अ यंग कोर्टजी, एलिजाबेथ कोस्टेलो, ठीक है. नेक्स्ट 2003 का है. अ नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय एलिजाबेथ कोस्टेलो, अभी हमने इस देख लिया था, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्लोमैन. स्लोमैन 2005 में है. समरी, आफ्टर लूजिंग अ लेग इन एन एक्सीडेंट एन एल्डरली मैन ग्रैपल विद हिज न्यू लिमिटेशंस एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद हिज नर्स ऑल वाइल एलिजाबेथ कोस्टेलो मेक्स एन अनएक्सपेक्टेड अपियरेंस. इसमें आप लोगों के पॉल रेमंड मैरिजाना जो कि एन एलिजाबेथ कोस्टेलो यहाँ पर उनका कैरेक्टर है. डायरी ऑफ अ बैड ईयर 2007 में पब्लिश हुई थी. दिस नॉवल कंबाइंस एसेज ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज विद द पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ राइटर एक्सप्लोरिंग द इंटरसेक्शन ऑफ पोलिटिकल थाट एंड पर्सनल लाइफ. ये उसकी थीम थी. एंड शॉर्ट बैकग्राउंड है. मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? सेना सी है, आन्या एंड एलन. नेक्स्ट है आप लोगों का द चाइल्डहुड ऑफ जीसस 2013 में पब्लिश हुई थी. सेट एन अननेम्ड लैंड अ मैन एंड बॉय अराइव्ड. तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्क है जो कि अननेम्ड लैंड में सेट था. तो ये चाइल्ड ऑफ जीसस है. एज रिफ्यूजीज एंड नेविगेट अ वर्ल्ड दैट सीम्स डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ आइडेंटिटी फेथ एंड मीनिंग. मेन जो कैरेक्टर हैं वो आप लोगों में सीमॉन एंड डेविड एंड इनेस. द डेथ ऑफ जीसस ये आपका 2019 में आया है. द फाइनल बुक इन द जीसस ट्रायलॉजी, जो जीसस ट्रायलॉजी उनकी बुक थी उसमें फाइनल बुक थी. इट फॉलोज डेविड अ बॉय विद अ मिस्टीरियस पास्ट एज ही फेसेस मॉर्टेलिटी एंड द इनिग्मेटिक नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ. कैरेक्टर कौन कौन से? डेविड है, साइमन है, इनेस है, ठीक है. वही ट्रायलॉजी है आप लोगों की. 15 वर्क्स आप लोगों के ये हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक सीरीज़ इस तरह से बना लीजिए आप. यहाँ पर आप लोग वर्क लिख लीजिए, उसका पब्लिकेशन लिख लीजिए और साथ में उनके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, थोड़े बहुत थीम्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं. दैट्स इट. अब इसमें आप लोग यहाँ पे जो वर्क्स लिखेंगे और पब्लिकेशन डेट्स लिखेंगे, बाद में आप लोग इन्हीं चीज़ों के क्या कर लीजिए, कार्ड्स बना के इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए. 10 मिनट्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एक राइटर्स को, तो ये काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा आप लोगों के. कार्ड्स अगर आप लोग करते हैं तो, ठीक है, तो कार्ड्स बनाइए और दोनों साइड लिखिए और काफ़ी अच्छा आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.